22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में पूरा देश लगा हुआ है। ऐसे में जो लोग हैं, जो राम भक्त हैं, वो लगातार अपनी भक्ति जो है वो राम भगवान के लिए दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम दादर शिवाजी पार्क में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक खूबसूरत 45 फीट बड़ी LED लाइट द्वारा जो है अयोध्या मंदिर को दर्शाया गया है, प्रभु श्री राम को दर्शाया गया है और उनके साथ हनुमान जी को जो है दर्शाया गया। हम आपको बता दें ये खास लाइट जो है, ये जो पूरा आकार जो है, ये खास तौर पर हैदराबाद से मंगाया गया है और ये इस वक्त शिवाजी पार्क का मुख्य केंद्र बन गया है। आसपास आप देख रहे हैं जितने भी सारे भक्त हैं, जितने भी सारे लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, वो यहाँ पर रुककर एक झलक जो है इस पूरे LED लाइट से जो पूरी दृश्य जो है दर्शाया गया है उसकी जरूर ले रहे हैं, अपने फोन में जो है इसे कैप्चर करते जो है वो नजर आ रहे हैं। अब साफ तौर पर अगर इस LED को देखें तो यहाँ पर सुंदर सा अयोध्या राम मंदिर जो है वो बनाया गया है और उसके ठीक पीछे जो है वो राम भगवान की बड़ी सी तस्वीर जो है वो लगाई गई है और उनके साथ ही जो है उनके चरणों में बजरंग बली जो है वो बैठे हुए हैं। ऐसे में अगर आप आसपास देखें तो सारे लोग उसके सामने लगातार पिक्चर्स क्लिक करवाते नजर आ रहे हैं। तो देखिए हम आपको जो तस्वीरें वो दिखा रहे हैं, अम्मा बहुत ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से मैं आपको सुनवाती हूँ। हाँ वही गाड़ी हम सुनवाना चाहते हैं कि वो गाड़ी एक बार सुना के दिखाइए क्योंकि ये हक सिर्फ इनके पास है और किसी के पास नहीं। जल्दी से राम जी ये लई तरे पहुन मा घर घर बाजे तरे बधाई, राम जी होई है सिया सजन मा घर घर बाजे तरे बधाई, सिया के सजन मा सखी सबके पहुन मा, सिया के सजन मा सखी सबके पहुन मा, तब तो लाल धुजा फहराई घर घर बाजे तरे बधाई। ये सिर्फ अधिकार इनके पास है, मिथिला के लोगों के पास है और जनकपुर के लोगों के पास है कि ये राम जी को गरिया भी सकते हैं। गरिया कैसे सकते हैं? क्योंकि वो उनके पाहुन लगते हैं, प्रेम में गरिया सकते हैं, प्रेम से गरिया रहे देते हैं, खाना भी छीन लेते हैं, खाना भी छीन लेते हैं। ठीक है, हम अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे अनोखे कदम उठाए जा रहे हैं। फतेहपुर में एक राम भक्त अपने बालों की चोटी की रस्सी बना कर ला रहे हैं और रथ खींच कर ला रहे हैं। जरा तस्वीर आप देखिए, हम आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। खास बात हम लोगों ने की है, बाबा बद्रीनाथ उनका नाम है, जरा सुनिए। हमारे गुरु महाराज जी श्री श्री भगवान देव आचार्य महाराज जी ने हमारे बड़े भाई मनोज देवलिया जी के द्वारा वहाँ से भूमि पूजन करके हमें रवाना किया। जो हम चल करके 80 किलोमीटर चले, पहली बार हम 80 किलोमीटर चले, उसके बाद हम छतरपुर आए, छतरपुर से महोबा, महोबा से बांदा, बांदा से सीधे हम यहाँ पर आए। तो अभी तक मैंने यात्रा 310 किलोमीटर कर चुके हैं और पूरी यात्रा 500 एक किलोमीटर की है।